सो गुड इवनिंग ऑल, कैसे आप लोग? होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन. ओके, सो आई वुड लाइक टू रियली एडमायर दोज स्टूडेंट्स. डिस्पाइट ऑफ देयर फेवरेबल कंडीशंस और डिस्पाइट ऑफ वट एवर वर्क दे हैव, दे कंटिन्यू देयर रूटीन. मुझे सही में उन लोगों पे बहुत प्राउड फील होता है कि जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में भी अपना मेंटल स्ट्रेंथ बनाकर अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, चाहे फिर एग्जाम चल रही हो या फेस्टिवल का सीजन हो, दे कंटिन्यू विद देयर स्टडीज. एंड आई कैन श्योरली से दैट कि ये लोग आगे जाकर दे विल अचीव वट एवर दे विश. अगर आपको लाइफ में सही में कुछ अचीव करना है तो देर इज अ वन वर्ड विच आई कॉल मेनी टाइम्स इन द क्लास वाइल टीचिंग. पढ़ाते समय भी मैं बहुत बात करता हूँ, दैट इज अ वर्क इथिक. वर्क इथिक मतलब क्या? कि अगर कुछ हमारे लिए सही नहीं हो रहा है तो भी हम उस चीज को बिना टेम्परामेंट खोए और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कंप्लीट करते हैं. सपोज अगर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ना कि वो पढ़ाई छोड़कर कुछ और करते हैं. ओके, उसको कहा जाता है वर्क एथिक. मतलब जो टास्क हमने हाथ में लिया है उसको कंप्लीट करना है और हर दिन हमने जो डिसाइड किया है उसको चाहे किसी भी कंडीशन में उसको कंप्लीट करना है, दैट इज नोन एज अ वर्क एथिक. ओके, बड़े बड़े लोगों का या बड़े प्लेयर्स हैं या जिन लोगों ने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है उनका वर्क एथिक होता था. जैसे कपिल देव, उनका वर्क एथिक था कि वो सवेरे 4 बजे नेट्स में पहुंच जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए. सो वो उनका वर्क एथिक था. वैसे कोबे ब्रायंट का भी एक वर्क एथिक हुआ करता था, बहुत महान बास्केटबॉल प्लेयर थे. तो उनका भी एक वर्क एथिक होता था कि जब तक सवेरे वो 3 बजे कोर्ट पे पहुंच जाते थे और जब तक वो 300 शॉट्स नहीं लेते हैं तब तक वो अपने घर पे नहीं जाते थे. बिकॉज जब बाकी लोग सो रहे होते थे तब वो अपना प्रैक्टिस कर रहे होते, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग वी डोंट हैव एनी डिस्टर्बेंस. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सवेरे पढ़ाई करने या सवेरे काम करने वाले लोगों के पास ही वर्क एथिक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. आप पढ़ाई कभी भी करो, आपका जो वर्क है वो कभी भी आप कंप्लीट कर सकते हो. बस ये है कि आपने जो डिसाइड किया है उसको कंप्लीट करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस, चाहे वो फेवर में हो या चाहे वो अगेंस्ट में हो. ओके, हमारा मेंटल स्टेट हमारे रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं. तो रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट. ओके, और आपका वर्क एथिक ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने क्वेश्चन डिसाइड किया कि मैं मैथ्स की 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, 1 आवर केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, 1 आवर अलजेब्रा, और उसमें मैं इसके अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन और ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये आपका वर्क एथिक है. तो वो कंप्लीट किए बगैर आपने उस जगह से उठना ही नहीं है, चाहे जो कोई आउटकम आए, चाहे कितना भी अर्जेंट काम हो. तो आप टाइम स्लॉट वैसे ही डिसाइड करिए, कोई फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए, बट टाइम स्लॉट आप वैसे ही डिसाइड करिए. हर दिन सोने से पहले आप डिसाइड करिए कि मेरा ये कल का वर्क एथिक है, मैं ये करने वाला हूँ, और उसमें 2 या 3 से ज्यादा टास्क नहीं रखने हैं. टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे आपका वर्क एथिक ऑर्गेनाइज होता है. सो वर्क इन अ ऑर्गेनाइज वे, स्टडी इन अ ऑर्गेनाइज वे. मैं सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, हर किसी के लिए बात कर रहा हूं. जिसके पास वर्क एथिक है उसके पास रिजल्ट है. सो डोंट कंप्लेन, फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू अचीव टुडे, नॉट ऑन टुमारो. आज के दिन पे अगर फोकस करेंगे तो ही हमारा कल का दिन बनेगा, और ऐसे बहुत सारे आज मिलकर हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है. सो वर्क ऑन टुडे. ओके, वट एवर यू आर गोइंग टू डू दैट इज टुडे. ओके, टुमारो या लेटर बिकम्स नेवर. ओके, लेटर बिकम्स नेवर, ये ध्यान रखना. बाद में कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं. ओके, कल करना यानी वो काम ना करने के बराबर है. सो डू इट टूडे, डू इट एट द अर्जेंसी. कंसिडर दैट अगर ये नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल इस जगह से उठूंगा नहीं, खाना नहीं खाऊंगा. आप खुद को सेल्फ पनिश करिए. पनिश मतलब खुद को टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, मतलब ऐसी कोई पनिशमेंट दीजिए कि जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है. ओके, तो वो चीज आप कर सकते हो, उसको आपको फिर अवॉइड करना है जब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है, तो वर्क एथिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काम करना है ताकि हमें आने वाले दिनों में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले.
after 10 years we are going to achieve the big milestone. आज जहां पर है उससे अगले 10 सालों में कोई और जगह पर हम हो सकते हैं अगर अगर हमारा वर्क एथिक सही है तो. ओके सो फोकस ऑन योर स्टडीज एंड थैंक यू सो मच. ओके कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. सो थैंक यू सो मच.